अस्सलाम वालेकुम, तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर सीसा, और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल पे आप माह रमज़ानुल मुबारक 2022 और कई सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के बारे में मालूमात भी और वीडियो भी देखते हैं। आपसे गुजारिश है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो आज के हमारे माहे रमजानुल मुबारक की छठी सहरी है गरीब नवाज की, छठी मेरे ख्वाजा की, छठी हिंदुस्तान के बादशाह की छठी है। आज आपकी खिदमत में छठी के 3 सवाल आपकी खिदमत में पेश करना है। हमारा पहला सवाल ये है कि भारत की सरजमी पर वो महान वली कामिल कौन है जिसने एक बड़े जादूगर को अपनी चाखड़ी मुबारक, अपनी जूती मुबारक से ज़मीन पे आके खड़ा कर दिया। पहला सवाल, भारत की सरजमीं पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने एक बड़े जादूगर को, जो जादूगर भी ऐसा था, आसमान पे उठता था, लेकिन इस महान वली कामिल ने अपनी जूती को कहा, चाखड़ी मुबारक को कहा, जाओ इस जादूगर को मेरे कदमों में लेके आओ, और इस महान वली कामिल की वो चाखड़ी मुबारक, जूती मुबारक आसमान पे उड़ी और उस जादूगर को कदमों में लाके खड़ा कर दिया। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है, आज का हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिला कौन है जिसने ज़मीन को कहा, ए ज़मीन आज मुझे तेरी गोद में समाना है, आज मुझे तेरी गोद में समाना है, मुझे जगह दे दे। उस महान वली कामिला को वहाँ जगह मिल गई और ज़मीन के दो टुकड़े हो गए, वो महान वली कामिला ज़मीन में समा गई। ये सवाल गुजरात की सरजमी से है। गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिला कौन है जिसने ज़मीन को कहा, ए ज़मीन आज मुझे जगह दे दे, मुझे तेरी गोद में आना है। इस महान वली कामिला को आपको नाम बताना है। और हमारा तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिला कौन है जिसने ज़मीन को कहा, ए ज़मीन आज मुझे जगह दे दे, मुझे तेरी गोद में समाना है। ये महान वली कामिला का आपको नाम बताना है, कच्छ की सरजमी का। और आज हमने आपकी खिदमत में ये 3 सवाल पेश किए हैं, और तीनों सवाल का जवाब आपको शाम असर नमाज तक देना है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9825577592 बराए मेहरबानी, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में आप नाम लिख के भेजें, अपना पता और सही सवाल का सही जवाब इस तरह से आप देंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी आसानी हो जाएगी। मैं जो बात है खुली बताता हूँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती, हिंदी में आप लिख के भेजें या वॉइस करके भेजें, आपके गांव का नाम, आपका नाम इसमें शामिल करें, ताकि हमें कुछ आसानी हो सके। और अजमेर शरीफ टूर पैकेज, माहे रमज़ान ईद के बाद कश्मीर टूर पैकेज, जल्द से जल्द आप बुकिंग करवाएं और ठंडा ठंडा कूल कूल कश्मीर का लुत्फ़ उठाएं।